जय माता दी मित्रों, स्वागत है आपका श्री मंदिर के इस नवरात्रि स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे माँ दुर्गा के नौवें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि के बारे में। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार में धन पैसे की कमी कभी भी ना हो, तो आपको आज का हमारा यह वीडियो अंत तक ज़रूर देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा प्रयोग जिसके करने से आपके घर परिवार में धन की कमी कभी भी नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का नवरात्रि स्पेशल वीडियो। नवरात्रि के नौवें दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहनें। उसके बाद जहां पर घट स्थापना या देवी के स्वरूप की स्थापना की है, वहां पर गंगा जल से जमीन को पवित्र करके माँ के सामने बैठ जाएँ और माँ का ध्यान करते हुए माँ सिद्धिदात्री के इस मंत्र का जाप करें। वर्ण वर्ण निर्वाण चक्र स्थिताम नव दुर्गाम त्रिनेत्राम शंख चक्र गदा पद्मधराम सिद्धिदात्रीं भजे हम। अब माँ सिद्धिदात्री के सामने धूप दीप जलाएं और माँ सिद्धिदात्री को लाल एवं पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए माँ को लाल एवं पीले रंग के पुष्प अर्पित करें। माँ को खीर का भोग लगाएं और श्री मंदिर पर माँ सिद्धिदात्री की आरती सुनते हुए माता रानी की आरती उतारें। तो मित्रों, ये थी माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि के बारे में जानकारी। इसी के साथ इस दिन शाम को माँ सिद्धिदात्री की कथा पढ़ें और माँ का स्तोत्र पाठ करें। ये है माँ सिद्धिदात्री का स्तोत्र पाठ। कंचनाभां शंखचक्र गदाधरां मुकुटोज्ज्वलां मेरमुखीं शिवपत्नीं सिद्धिदात्री नमोस्तुते। पटांबर परिधानां नानालंकारभूषितां नलिनस्थिता नलिनाक्षी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। परमानंदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परमशक्ति परमभक्ति सिद्धिदात्री नमोस्तुते। विश्वकर्त्री विश्वभर्त्री विश्वहर्त्री विश्वप्रीता विश्वार्चिता विश्वातीता सिद्धिदात्री नमोस्तुते। भुक्ति मुक्ति कारिणी भक्त कष्ट निवारिणी भवसागर तारिणी सिद्धिदात्री नमोस्तुते। धर्मार्थ काम प्रदायिनी महामोह विनाशिनी मोक्षदायिनी सिद्धिदात्री रुद्धिदात्री नमोस्तुते। मेरे प्यारे दर्शक मित्रों, आइए अब मैं आपको बताता हूँ उस अद्भुत प्रयोग के बारे में जिसको जानने के लिए आपको बेसब्री से इंतजार है। यह प्रयोग नवरात्रि के नवमी के दिन किया जाता है, जिसमें शंख पुष्पी का बहुत बड़ा महत्व है। शंख पुष्पी एक जड़ी बूटी है जिसका आयुर्वेद के अंतर्गत बहुत सारे रोगों के इलाज के में उपयोग होता है। यह शंख पुष्पी की ताजी हरी जड़ आपको नवमी के सुबह में लेकर आनी है। उसको एक तांबे के पात्र में रख दें, स्वच्छ पानी से उसका अभिषेक करें। उसके बाद उसके ऊपर कुमकुम हल्दी और अक्षत से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात यह जड़ को आपको महालक्ष्मी का मंत्र बोलते हुए एक चांदी की डिब्बी या तो चांदी के पात्र में रख देना है, और यह चांदी का पात्र या चांदी की डिब्बी आपके घर के अलमारी में या तो आपके घर की तिजोरी में आपको रख देनी है। यह प्रयोग करने से आपके घर परिवार के ऊपर महालक्ष्मी माँ की कृपा सदैव बनी रहेगी, आपके घर में कभी भी धन पैसे की कमी नहीं होगी। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नवरात्रि स्पेशल के अगले वीडियो में, जिसमें जानेंगे माँ सिद्धिदात्री कौन कौन सी 8 प्रकार की सिद्धियाँ देती हैं। माँ सिद्धिदात्री की कथा में माँ सिद्धिदात्री के कथा की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो मित्रों, मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ माता रानी के चरणों में प्रार्थना करते हुए कि आपको और आपके परिवार को सेहतमंद रखें, खुशहाल रखें। जय माता दी।